उड़ीसा की बीजेडी सरकार आयुष्मान हमारी जो योजना है वो यहां लागू नहीं होने देती है। इसका कितना बड़ा नुकसान है मैं बताता हूं। जरा उड़ीसा के लोग मेरे भावनाओं को समझे। अब मुझे मेरे यहां गुजरात में हमारे बहुत से उड़ीसा के भाई बहन काम करते हैं, मुंबई में करते हैं, बेंगलुरु में करते हैं, हैदराबाद में करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं। ये आयुष्मान योजना ऐसी है कि आप अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो और अगर आप उड़ीसा के हैं, आयुष्मान योजना का हक मिला हुआ है, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आपको कुछ तकलीफ हो गई, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां भी 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको मिल जाएगा। आपके पास पैसे है कि नहीं, साथ में रिश्तेदार है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जेब में एक आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। इतनी बड़ी योजना, मुझे बताइए ऐसी योजना आप लोगों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जरा जोर से बताओ तो पता चले ये योजना क्यों आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं 5 साल से यहां की सरकार को समझा समझा करके थक गया कि योजना आप ले लो, ये उड़ीसा के लोगों का फायदा करेगी, पता नहीं लेने को तैयार नहीं है। जैसे ही भाजपा सरकार यहां बनाओगे, 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की योजना चालू हो जाएगी। भाइयों बहनों आप मुझे बताइए, जिसको आपकी बीमारी की परवाह न हो, ऐसी असंवेदनशील सरकार यहां रहनी चाहिए क्या? उड़ीसा में रहनी चाहिए क्या? साथियों, यहां इस क्षेत्र में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं। दरिंगबाड़ी को तो उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती है, लेकिन उड़ीसा सरकार की उदासी की वजह से यहाँ टूरिज्म भी चौपट है। भाजपा सरकार यहाँ पर्यटन से पैसा, ये काम के लिए आपके लिए विकास करना चाहती है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।